ओके स्टूडेंट्स, देखिए अपना जो टॉपिक चल रहा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर अपना ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक तो हो गया है, नेक्स्ट है रिडक्शन। तो देखिए रिडक्शन क्या होता है इसके बारे में देखिए स्टूडेंट्स कि रिडक्शन क्या होता है। तो हाँ, आप लोग सुन पा रहे हो भुवनेश? यस सर। भुवनेश नहीं आ रही है क्या आवाज? हाँ मुस्कान, हेलो। यस सर, आ रही है ना आवाज? हाँ यस सर, हाँ यस सर, हाँ यस सर, आ रही है आवाज। ठीक, ये गेट बंद कर थोड़ा सा। अब देखिए सबसे अब है रिडक्शन। आप ऐसा समझ लो कि जो मैंने ऑक्सीडेशन वाला लिखाया था ना, उसका अपोजिट होगा रिडक्शन, ठीक है। कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एक विशेषता होती है कि एक का जिस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होता है, दो सबस्टेंस है जिसमें यदि किसी एक सबस्टेंस का रिडक्शन हो तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि जो जो मैंने रिडक्शन ऑक्सीडेशन के पॉइंट लिखाए थे ना, उसका अपोजिट आप क्या कर दो, रिडक्शन वाले कर लो। मैंने कहा था कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें आ जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें आ जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। उसमें मैंने लिखाया था लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। उसमें मैंने लिखाया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो अब देखिए, अब अपन अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिडक्शन के अंदर देखिए सबसे पहला आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन का कोई एग्जांपल ऐसा देखो जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो एग्जांपल देखो, जैसे सोडियम प्लस हाइड्रोजन, ध्यान रखना इनके नाम बोल रहा हूं, सोडियम हाइड्रोजन, तो क्या बनाएगा 2NaH, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्राइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट देखिए H2 plus Cl2 बनाएगा 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2 plus Cl2 क्या बनाएगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2 plus Br2 यानी हाइड्रोजन और ब्रोमीन मिलके क्या बनाएंगे, 2HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, तो ये बनाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हर स्थिति में देखो स्टूडेंट्स, अगर ऐसी कोई रिएक्शन देते और आपको पूछे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये रहा, और किसके साथ कंबाइन हो रहा है, सोडियम के साथ, सोडियम के साथ हाइड्रोजन हो रहा ना, तो सोडियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन, समझ गए, सोडियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऐसे समझ लो। यहां क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, यहां ब्रोमीन का हो रहा है, यहां आयोडीन का, क्योंकि जिसके साथ हाइड्रोजन ऐड होगी, कंबाइन होगी, उसी का रिडक्शन होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा सॉरी, ये गलत हो गया, यहां पर देखो 2HI, ये यहां आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो 2, ये इनको बैलेंस करने के लिए, देखो क्लोरीन 2 है, यहां पर भी 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहां पर भी 2 है, ठीक है, क्योंकि ये 2 इन दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार इसको देखो, फिर नेक्स्ट बताता हूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड क्या होगा, हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना,
तो आप ये भी लिख सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा इसकी डेफिनेशन का, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब देखिए इसका कोई एग्जांपल ऐसा कि जिसमें कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है वो उसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, ऐसा कोई एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी प्लस वाला, जैसे देखिए सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनाएगा, 2NaCl सोडियम क्लोराइड। अब देखो इसी से समझ लो आप, सोडियम क्लोराइड आपको बताया है? हाँ तो देखिए सही है, अभी बताता हूं। देखो अब इसके अंदर देखो आप कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में पॉजिटिव कौन सा है, मैंने आपको यही बताया था जो पहले आता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये पहले आया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखो ये पॉजिटिव है यानी सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लियर, सोडियम है इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, तो यह है, और इसी में यही तो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन। तो यह सोडियम किसके साथ ऐड हो रहा है, इसके साथ, तो इसका मतलब क्लोरीन का क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्लोरीन का क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, सोडियम का, सोडियम का क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन, क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन, क्लियर। या फिर आप ऑक्सीडेशन में एक मैंने लिखाया था ना कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव किसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और देख लो पोटेशियम प्लस क्लोराइड, पोटेशियम प्लस क्लोरीन, तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, इससे क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। हाँ भाई अब आप ये बताओ कि किसका हो रहा है इसमें रिडक्शन, क्लोराइड, हाँ क्लोराइड, क्लोराइड, वेरी गुड। और ले लो एग्जांपल मर्करी प्लस आयोडीन, क्या बनेगा, 2HgI मर्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक है। अगर इसकी वैलेंसी 2 रखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से 2 हटा दो, यहां से हटा दो, तो क्या आ जाएगा, HgI2, ऐसे भी रख सकते हो। तो इसका नाम है मर्करी यानी पारा, पारे को कहते हैं, ये आयोडीन, तो ये क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक है, इस ये क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक आयोडाइड। अब बताओ इसके अंदर किसका हो रहा है रिडक्शन, आयोडीन का, किसका हो रहा है, आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, इसमें क्या हो रहा है, आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है, क्लियर स्टूडेंट्स, यस सर। बात में देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, यहां तक दिक्कत है क्या किसी को, बोलिए, नो सर, नो सर, वेरी गुड, कुछ पूछना है क्या, नहीं सर। तो थर्ड पॉइंट देखिए फिर, अगर नहीं पूछना है तो, और अगर एक बार आप वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि ये वीडियो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगर कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन में क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यदि कि ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे वाटर, वाटर में यदि आपको, वाटर का मैंने एक एग्जांपल करवाया था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाई थी ना भाई, एक तो एडिशन रिएक्शन थी, फिर डिकॉम्बिनेशन थी, तो डिकॉम्बिनेशन में आपको करवाई थी ना इलेक्ट्रोलाइटिक,
तो इलेक्ट्रोलाइटिक का ही एग्जांपल है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये बताओ कि ऑक्सीजन लॉस हो रही है नहीं हो रही, हो रही है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लॉस किससे हो रही है, हाइड्रोजन से। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर, रिडक्शन ठीक है। और देख लो एग्जांपल, और देखा गया सर। जैसे कि कैल्शियम हेलो, ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड से क्या बनता है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। तो हाँ हेलो, ना ना, ये ध्यान रखना, ये मेटल है, इनमें यहाँ ये जो गैस होती है ना, गैस में टू नीचे आता है, ये जो मेटल है इनमें टू यहीं लगेगा, ऐसे समझ लो, ठीक है, या फिर ये समझ लो पॉजिटिव वाले, इनमें यहीं लगाना, आपको इधर मत लगाना आप लोग टू, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड से क्या बनेगा, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। क्लियर, और देख लो इसका नाम है जिंक ऑक्साइड, ये टू है, टू मॉलिक्यूल लिए जिंक ऑक्साइड के, तो इससे क्या बनेगा, जिंक प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनेगा, जिंक प्लस ऑक्सीजन। तो ये हो गया, ये स्टूडेंट्स मैंने वही लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन है ना ऑक्सीडेशन में, उसके अपोजिट ही तो लिखा है मैंने, एग्जाम्पल एग्जाम्पल कोई अलग नहीं लिखा है, उसके अपोजिट एग्जाम्पल ही लिखा है। इसके अलावा आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी लिख सकते हो, ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या बनेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये भी किसका एग्जांपल है, रिडक्शन का ही एग्जांपल होता है। तो अब इनमें रिडक्शन देखो किस किस का हुआ, जिससे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, यहां पर किसका होगा, हाइड्रोजन का, यहां कैल्शियम का, यहां जिंक, और यहां मैग्नीशियम। क्लियर, कोई दिक्कत, वेरी गुड। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, वो देखिए, अभी फिर दोबारा से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टार्ट होगी। फोर्थ पॉइंट है, वो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो अपना लास्ट है पॉइंट, भाई ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट है, वो है, बोलो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन का ही, सॉरी रिडक्शन का, इसमें एग्जांपल देखिए, रिडक्शन की ही डेफिनेशन में आता है। तो देखिए ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल रहा हो, बताओ भाई, आपको सिंपल सिंपल दो तीन एग्जांपल दे देता हूं, वेरिएबल वैलेंसी वाले कर देना, ठीक है, समझने की कोशिश करो। जैसे देखो आयरन है, आप ऐसे समझ लो, वेरिएबल वैलेंसी कौन कौन सी करता है स्टूडेंट्स, ऐसे समझ लो, एक तो है आयरन, कौन कौन सी करता है, प्लस टू और प्लस थ्री, टिन कौन कौन सी करता है, प्लस टू और प्लस फोर, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। अब देखिए, अब इसी का एक एग्जांपल दे देते हैं अपन, जैसे कि आयरन है FeCl3 फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, तो यहां से एक क्लोरीन हटा दो, क्या हटा दो, यहां से क्लोरीन हटा दो, तो हट जाएगा, तो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस Cl2। अब देखो क्लोरीन तीन थी, यहां पर क्लोरीन कितनी है, दो, तीन से दो हो गई, थ्री से टू हो गई ना, यहां पर इसकी आयरन की वैलेंसी कितनी है, प्लस थ्री, ये देखो इसके यहां आ गया ना, और यहां पर आयरन की वैलेंसी कितनी है, टू, तो बात तो वही हुई ना, ये दो और तीन दोनों ही वैलेंसी शो करता है, लेकिन इसका क्या हो रहा है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता है कौन सा है, क्लोरीन है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ये तो प्लस है पहले आया है, और ये क्या है, माइनस, और माइनस है, तो इसका मतलब क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन जब इससे निकल गया तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन,
क्लियर, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्लियर। और दे देता हूं एग्जांपल, FeBr3 फेरिक ब्रोमाइड, इसका नाम है फेरिक ब्रोमाइड। तो देखिए फेरिक ब्रोमाइड से क्या बनेगा, बोलो, 2 FeBr2 plus Br2, क्लियर, कोई दिक्कत? हाँ भाई स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है, और दे देता हूं टिन का एग्जांपल, और दे देता हूं ये टिन वाला, और दे देता हूं स्टूडेंट्स, देखिए SnCl4, यहां टिन की वैलेंसी कितनी है, 4 है ना, कितनी इसकी वैलेंसी, 4, तो हम 2 कर देते हैं, 4 से क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं इसकी वैलेंसी, तो क्या हो जाएगा, SnCl2 plus Cl2, यहां से 2 क्लोरीन निकाल दिए हमने, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिमूव हुए या नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या हो गए, रिमूव हुए, तो इसका मतलब SnCl4 स्टेनस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन हो रहा है, क्लियर। तो और यहां पर वैलेंसी भी देखो वैसी रहेगी, यहां पर प्लस 4 है, यहां पर प्लस 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इससे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव निकला तो इसकी वैलेंसी भी उसी तरीके से रही जैसी बताई हुई है। और देख लो एग्जांपल SnBr2, तो क्या बनेगा, SnBr4, तो क्या बनेगा बोलो भाई, SnBr2 plus Br2, अब बोलो यहां रिडक्शन किसका हो रहा है, किसका हो रहा है, SnBr4 का SnBr2 में रिडक्शन हो रहा है, क्लियर। हाँ स्टूडेंट्स क्लियर, यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर, वेरी गुड। तो इसको आप एक बार देख लो, आप कहो मिटा दूं क्या अब, यस सर, ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, नेक्स्ट आप लोग एडिंग फिर से डालो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के बेस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन, तो या फिर आप इसमें यह भी डाल सकते हो मॉडर्न कंसेप्ट, ठीक है ना, इसमें आप मॉडर्न कंसेप्ट भी डाल सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले है ऑक्सीडेशन, फिर से देखिए ऑक्सीडेशन, ये मॉडर्न कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट ही आगे तक काम आता है, और स्टूडेंट्स ध्यान रखना यही कंसेप्ट आगे तक चलता है, ये चीज का आप विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब अपन देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मॉडर्न कंसेप्ट, सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, क्या होता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन, जो मैंने आपको पहले एक वो वीडियो भेजा था छोटा सा, देखो वो बोर्ड पर भी लिखाया था, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव, उसी का है। देखिए कैसे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, कि जो एलिमेंट या मॉलिक्यूल या एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्लियर। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई एटम मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लियर। और रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इन्हीं जो पहले वाले मैंने करवाए थे ना एग्जाम्पल,
उसी को मैं इसी बेस के ऊपर करके दिखाऊंगा आपको, कोई भी एक एग्जांपल आप बता देना, उसी को मैं इस बेस पर करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो अभी देखिए, ऑक्सीडेशन यानी कि दैट केमिकल रिएक्शन इन विच ए एटम मॉलिक्यूल और आयन डोनेट द इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कोई भी मॉलिक्यूल एटम या आयन क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, लॉस द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एग्जांपल इस रिएक्शन का आप दूसरा नाम क्या है, डी इलेक्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, डी इलेक्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डी इलेक्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, डेफिनेशन समझ में आ गई क्या? हेलो 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 सर, समझ में आ गई डेफिनेशन? सर एक बार वापस रिपीट करो ना। देखिए देखिए, फिर से समझ लो कि दैट केमिकल रिएक्शन इन विच एनी एटम मॉलिक्यूल और आयन डोनेट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आ गया समझ में? हेलो सर, यस सर, आ गया आ गया। अब इसके एग्जांपल देखिए, आप चाहो तो ये लिख लेना, इससे पहले लिख लेना दैट केमिकल रिएक्शन इन विच, ये लिख लेना, ठीक है। तो देखिए अब इसके एग्जांपल देते हैं अपन, जैसे कि कोई भी एक एटम देखो, जैसे कि एटम का कैसे होता है, एग्जांपल देखो, जैसे कि लिथियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, कोई भी एटम जो होता है, मैंने आपको नाइन्थ में एटॉमिक स्ट्रक्चर करवाई थी, उसमें आपको बताया था कि कोई भी एटम है वो न्यूट्रल होता है, यानी जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतने ही उस पर प्लस चार्ज आ जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। जितने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा वो डोनेट करेगा उतने ही उस पर क्या जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। देखो जैसे लिथियम है, लिथियम की वैलेंसी वन होती है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन किए, एक, तो इस पर क्या जाएगा, प्लस। आ गया समझ में? और देखो सोडियम, सोडियम की भी वन ही होती है ना वैलेंसी, तो ये भी कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक, तो सोडियम पर भी कितना आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, वन। आ गया समझ में? पोटेशियम देखो, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बोलो पोटेशियम पर कितना आएगा, क्या आएगा, एक, तो ये आ जाएगा सोडियम प्लस, क्लियर। और देखो दो पॉजिटिव चार्ज वाले ले लो, जैसे देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, इसकी वैलेंसी दो होती है ना, तो इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दो इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम पर कितना चार्ज आ गया, प्लस टू, वेरी गुड। कैल्शियम, कैल्शियम भी दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कितना जाएगा, प्लस टू, क्लियर। आ गया समझ में? तो ये क्या होता है, इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आ गया क्या समझ में? और देख लो एग्जांपल, ये तो एटम का हो गया, मॉलिक्यूल का ले लो, ठीक है, ये किसका हुआ एग्जांपल, एटम का, मॉलिक्यूल का ले लो। जैसे देखो आयरन है, आयरन प्लस टू, देखो एक बार, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, बोलो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस थ्री, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस थ्री। मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही उस पर एक प्लस बढ़ जाता है, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन करते ही प्लस एक और बढ़ गया, तो प्लस एक और बढ़ गया तो प्लस थ्री हुआ या नहीं हुआ। आ गया क्या समझ में? और ले लो एग्जांपल, SN प्लस टू,
ठीक है, ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, बोलो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SN प्लस फोर, वेरी गुड, आया गया और? नहीं आया पीछे नहीं। कोई दिक्कत सर? और ले लो एग्जांपल, अरे इसमें से इतने मैंने एग्जांपल करवा दिए यार, कोई भी दो एग्जांपल करने एग्जाम में, सारे तो करने नहीं है, ये समझाने के लिए है, क्योंकि जब आप मेरे से साइंस पढ़ रहे हो तो मैं ये चाहता हूँ कि नॉलेज होना चाहिए, रट्टाफिकेशन तो कैसे भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर देखो ये तो है कैटायन, एनायन का ले लो, एनायन का ले लो, जैसे कि सी एल माइनस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो एक माइनस निकल गया इसमें से, तो क्या बना सी एल प्लस, कहां से भाई माइनस, ठीक है, तो माइनस एक निकल गया ना ये माइनस, तो क्या हो जाएगा सी एल, ठीक है ना। इसी प्रकार से बी आर माइनस क्या होगा, बी आर और इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजन माइनस टू, ये कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कितने, दो इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, ओ जाएगा, प्लस टू कहां से यार, दो इलेक्ट्रॉन तो निकल ही गए, प्लस टू कैसे होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, अगर चार निकालता तो प्लस टू होते, क्योंकि दो तो ये और दो वैसे, क्लियर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका इसके अंदर ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको बताइए कि किसी को कुछ पूछना है, हाँ स्टूडेंट्स किसी को कुछ पूछना है क्या, बोलिए। हेलो सर, हेलो हेलो सर, एक मिनट, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, ये जो SN वाला एग्जांपल है ना, हाँ है ना, इसमें ये प्लस फोर वाला कैसे आया है वो बताओ एक बार। एक बार, एक तो आवाज ज्यादा, थोड़ा तेज बोलो बेटा। हेलो सर, हाँ हाँ, इसमें ये जो SN वाला एग्जांपल है ना, हाँ इसमें ना ये प्लस फोर वाला बताओ, प्लस फोर वाला, हाँ तो देखो प्लस फोर का इसलिए है कि मुझे बताओ कि SN है वो कौन 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 सी वैलेंसी शो करता है, आयरन कौन कौन सी करता है, प्लस टू और प्लस थ्री, प्लस टू प्लस थ्री, और SN कौन कौन सी करता है, प्लस टू और प्लस टू और प्लस फोर, ये नहीं करता है क्या, हाँ तो प्लस टू तो प्लस फोर, अब देखो यहाँ प्लस टू है ना, अगर हाँ। हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब तो प्लस थ्री होगी, और प्लस थ्री ये शो नहीं करता, प्लस फोर करता है, तो प्लस हाँ। में प्लस फोर में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट निकालने पड़ेंगे ये बताओ, टू, टू निकालने पड़ेंगे, तभी तो मैंने बेटा ये क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब आयरन है, आयरन कौन कौन सी करता है, प्लस टू प्लस थ्री करता है ना, तो हमें प्लस टू से प्लस हाँ। करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस थ्री, क्लियर स्टूडेंट्स। तो सर फिर सर जो वन इलेक्ट्रॉन निकाला वही उसमें प्लस हो जाता है क्या आगे, हाँ जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना बेटा उतने उधर प्लस आ जाएंगे। अच्छा तो सर जैसे इसमें ऑक्सीजन में टू टू थे तो टू ही निकाल दी, तो इसलिए ऑक्सीजन पे कोई नहीं आया, हाँ कोई नहीं आया, जितने इलेक्ट्रॉन थे ना भाई ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते हैं। अच्छा समझ गए। और देखो एक चीज है, इनमें ज्यादा आप कंफ्यूज मत हो, इसमें आप ज्यादा टेंशन मत लो बेटा, अभी इधर देखो आप ध्यान से कि आपको जो एग्जाम में पूछेंगे ना तो आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन समझ में आ गई, हाँ डेफिनेशन आ गई, तो डेफिनेशन लिख के कोई भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हो, तो क्या इतने एग्जाम्पल में से कोई भी दो एग्जाम्पल नहीं लिख सकते आप, हाँ ये सर है ना, तो इनमें से आप कोई भी हाँ। कोई भी दो या तीन एग्जाम्पल दे दो, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्लियर, ओके सर, ओके है ना। अब देखिए नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन, नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये मिटा दूं, हेलो, यस सर मिटा दीजिए, ठीक देखिए अब ध्यान से समझो, अब रिडक्शन और समझ लोगे ना फिर आपके अभी भी ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभी आएगा, अभी नेक्स्ट जो करवाऊंगा उसका नाम है रेडॉक्स, यानी उसमें
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होगा। अभी तो एक रिएक्शन दे दी मैंने, इसका कह दिया कि हाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है चल गया काम। लेकिन नेक्स्ट है रिडॉक्स, उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन साथ साथ होगी, नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो पहले आप देखो मॉडर्न कंसेप्ट में रिडक्शन, तो देखिए रिडक्शन क्या होता है कि दैट केमिकल रिएक्शन इन विच एनी एटम एटम और मॉलिक्यूल, उसका उल्टा हो जाएगा, और आयन या कोई भी आयन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, गेन द इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख सकते हो गेन द इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिडक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी एटम आयन मॉलिक्यूल जो भी है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? हेलो, हाँ यस सर, आ गया समझ में? अब एग्जांपल देखो, अब इस रिएक्शन का जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस रिएक्शन का दूसरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो देखिए जब कोई एटम मॉलिक्यूल या आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने जब ऑक्सीडेशन पढ़ा था, ध्यान से समझो, तो उस ऑक्सीडेशन के अंदर क्या था, क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो आपको बताया था कि जब कोई एटम आयन है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस का। लेकिन अब ध्यान रखना कि जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा आएगा, नेगेटिव माइनस नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज आएगा, वेरी गुड। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल दे देते हैं, पहले वाले में हमने पॉजिटिव वाले यानी मेटल्स के एग्जांपल दिए थे, अब नॉन मेटल्स यानी नेगेटिव वाले एग्जांपल देता हूं। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट याद है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ही एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर अब इसके एग्जांपल देखिए क्या होंगे, जैसे कि फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, वन होती है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक, तो इस पर क्या जाएगा एफ माइनस, इस पर क्या जाएगा एफ माइनस, इसका नाम है फ्लोराइड, क्या नाम है फ्लोराइड। और देखो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बोलो क्या आएगा, वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलिए क्या आएगा, बोलिए मुस्कान, माइनस सीएल माइनस, क्या आएगा सीएल माइनस। इसी प्रकार से ब्रोमीन, ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या आएगा बोलो भाई, माइनस ब्रोमीन माइनस। हाँ क्रिस बताइए, क्रिस माइनस आएगा सर, वेरी गुड। और श्रेया मुस्कान माइनस सर, हाँ श्रुति ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा बी आर माइनस। आयोडीन बोलिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या आएगा आई माइनस, आ गया क्या समझ, माइनस क्लियर, यस सर। और देखो दो इलेक्ट्रॉन वाले ले लो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा बोलो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, क्या आएगा माइनस थ्री, वेरी गुड, एंड माइनस थ्री। इन सब का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है इन सब का रिडक्शन, रिडक्शन। एनी डाउट, नो सर। अच्छा अब आयन का देखो, ये किसका रिडक्शन था, एटम का, ये तो एटम का था रिडक्शन, अब अपन आयन का रिडक्शन करते हैं। आयन का रिडक्शन देखो, जैसे देखो Na+
देखो इधर Na प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, क्या बनेगा Na, क्या बनेगा भाई सीधी सी बात, एक माइनस और एक प्लस जोड़ दो क्या होगा, जीरो ही होगा, यानी Na। आ गया क्या समझ में, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा क्या आएगा पोटेशियम, आ गया क्या, हाँ मुस्कान यस सर आ गया, वेरी गुड। और देखो और दे दो एग्जांपल, कैल्शियम प्लस टू कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ू, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस टू है ना तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ू दो, तो क्या बनेगा Ca, बस जिंक कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ू है दो, क्या हो जाएगा, वेरी जोर को बोल लो